कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। ये देखो, और आज है 9 तारीख। हम जा रहे हैं अगस्त मुनि घर से। बस हम निकल गए हैं। ये देखो हनी, हनी का चेहरा देखो यार। ये देखो मच्छरों ने कैसे कर रखा है, पूरा लाल लाल कर दिया पूरा चेहरा। ये देखो पूरे चेहरे पे मच्छर ने ऐसे काट के दाने दाने हो गए। ये देखो तबीयत भी खराब हो गई, इसको सर्दी जुकाम हो गया। यहाँ के हम अभी जस्ट निकले हैं घर से और तबीयत खराब हो जाती है जब घर पे आते हैं ना, तो तबीयत खराब से हो जाती है। और हम आ गए थे 5 तारीख और आज हम जा रहे हैं 9 तारीख। चलो फिर आगे आगे बात करूंगी। मौसम आज अच्छा है, धूप लगी है, खतरनाक वाली धूप। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, गाड़ी में जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, है ना, हमको तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि इसके पापा की लग गई इलेक्शन में ड्यूटी। 11 तारीख के इलेक्शन में ड्यूटी लग गई, तो आज हम जाएंगे। फिर कपड़े कुपड़े धुलने हैं, फिर ये तो कल चले जाएंगे 10 तारीख को। 11 को इलेक्शन है। ये देखो पिंक पिंक और येलो येलो, ब्लू ब्लू। और हम पहुंचने वाले हैं चमोली। तो चलो ठीक है, फिर मैं आगे आगे बात करूंगी आप लोगों से। हम पहुंचने वाले हैं कर्णप्रयाग और ये देखो हमने लिए गुड़िया के बाल और पॉपकॉर्न। देखो अभी रास्ते में मिला ना, अभी जाम लग रखा है यहाँ पे, ये देख सकते हो जाम लगा हुआ है। ये देखो हनी भाई छाप उठ गया है, हमने कहा हनी को खिलाने के लिए लेते हैं। देखो जगह जगह पे जाम लग रहा है, हम परेशान हैं। गुड मॉर्निंग हनी। हनी पापा को दे रहा है। चलो फिर हम इसको खाते हैं, हनी को खिलाते हैं, फिर पता नहीं कब तक यहाँ पे रहेंगे। और अभी हमको लग जाएगा आई थिंक 2 घंटे ना। हाँ ऐसे जाम लगेगा तो हमें अगस्त मुनि पहुँचने में 2 घंटे लग जाएंगे। चलो फिर चलते हैं। कितना हुआ अभी टाइम? ओह माय गॉड, 12:15, बिल्कुल 12:15 हो चुका है। और हम निकले थे घर से तो पैदल है, और जहाँ गाड़ी से मतलब जब गाड़ी में पहुँचे हम, तो तब बज रहा था 11:30। और अभी हो गया है 12:15, 2:30 तक पहुँच जाएंगे शायद कमरे पे। देख चलो फिर हम खाते हैं। देखो हम पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग और ये देखो एक पुल ये है कर्णप्रयाग का, फिर सिमली साइड जाती है। यहाँ से शायद मुझे लग रहा है वहां भी जाते, कहाँ जाते हैं, यहाँ से नैनीताल। हाँ यहाँ से नैनीताल जाते हैं, जो उधर का रूट है वो नैनीताल का रूट है। और हम जाएंगे इधर वाले रूट पे, देख सकते हो आप लिखा हुआ है ऋषिकेश श्रीनगर। ये लिखा है उमा पैलेस स्वीट शॉप। यहाँ पे बहुत अच्छी मिठाई मिलती है, बहुत टेस्टी, थोड़ी महंगी है। हम भी हमेशा यहाँ से लेके जाते हैं घर, जब घर जाते हैं तब। और ये देखो ये पुल, ये है कर्णप्रयाग मार्केट पूरा ऊपर है। ये देखो लोग खड़े हैं। ये देखो कितना सुंदर लग रहा, वाओ जस्ट वाओ। स्वर्ग अगर कहीं है तो वह है हमारे उत्तराखंड में। थोड़ी ये है कि रोड की थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, नहीं तो आप देख सकते हो शुद्ध हवा, शुद्ध शुद्ध
कितना प्यारा है। देखो मेरे को बहुत खुशी होती है यहाँ से कर्णप्रयाग से और ये क्या है उसका नाम गोचर तक जाने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है जाना आने में, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है। देखो आप कितना प्यारा है। ये देखो आप धूल इतनी ज्यादा है क्योंकि रोड के बहुत बुरे हाल है, बहुत ज्यादा बुरे हाल। बात करूंगी, सो ब्यूटीफुल। तो आज हम फिर उसी होटल में खाना खा रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया, डेढ़ हो गया कि दो हो गया, डेढ़ हो गया है। और देखो फिर वहां जाते जाते टाइम हो जाएगा, इसलिए हमने कहा खाना डेढ़ हो रहा, हमने कहा खाना खा लेते हैं। धनिया चेयर में बैठा ना, खाते हैं बैठू राम, खाना खाओगे आप, खाना खाओगे? ये देखो चेयर पे बैठा खुश है। अनी बहुत प्यारा होटल है यहाँ पे, तो हम हमेशा खाते हैं, बहुत अच्छा होटल है। देखो हनी हनी की चुटिया देखो एंटी में। पापा 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 को बुलाओ, पापा को बुला, पापा पापा ये देखो मिर्ची 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 ना, नहीं उसको नहीं खाते तू, अच्छा मिर्ची होती है ये मिर्ची नहीं खाते। कढ़ाई पनीर और ये हनी खाने देगा तो ना कब खा पाएंगे। यम्मी यम्मी चलो फिर हम खाते हैं। नहीं बेटा नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम पहुंच गए अगस्त मुनि मार्केट में। ये देखो हनी सोया है, क्यूटी क्यूटी, और इसके पापा जा रखे हैं दूध लेने क्योंकि दूध वाला आज आएगा नहीं, तो दूध और टमाटर वगैरह सब्जी हम घर से लेके आ रखे हैं। बस अब कमरे पे थोड़ी 2-3 मिनट का रास्ता है कमरे के वहाँ पे, फिर सामान लेके जाना है। रोड से थोड़ी ऊपर पे हमारा रूम। ये देखो कैसे सोया है, और उसके पापा जा रखे। ये देखो सामान, एक बैग ये है और एक बड़ी ट्रॉली है जो हमने, मैं आपको बताना भूल गई थी, मैं बीच में एक दिन गोपेश्वर गई थी, देखा कि टमाटर नहीं मिली, गोपेश्वर गई थी कैंटीन और वहाँ से लेके आई थी मैं सामान, वो मैं घर जाके ही दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलो फिर कमरे पे जाते हैं, थकान लग गई है बहुत ज़्यादा। टाइम कितना हुआ? 3 बजने वाला है। तो कम रूम पे पहुँच गए, रूम पे तो हम बहुत पहले पहुँच गए थे। उसके बाद मैं आई, फिर मैंने सबसे पहले कपड़े धुले, देख सकते हो आप, दिखाई नहीं देंगे यहाँ से, लेकिन ये देखो दिख रहे हैं, ये देखो मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं क्योंकि हनी के पापा कल जाएंगे वोटिंग में और ड्यूटी है ना उनकी, तो फिर कपड़े धुलना मुश्किल है, इसलिए मैंने घर से बहुत कपड़े हो जाते हैं बस सफ़र में, मत करो बेटा। तो मैंने कपड़े धुले, और मैं एक चीज़ बता रही थी, मैंने गोपेश्वर कह रही थी ना, मैं कैंटीन में गई थी, तो ये मैंने एक ट्रॉली बैग लिया जो कि जिसका रेट था 5000 समथिंग,
और मुझे वहाँ पे मिला 4000 का ये, और इसके अंदर सामान भरा हुआ है जो मैंने घर के लिए लिया था, पूरे 4000 का सामान लिया है। अभी दिखाती हूँ मैं क्या क्या है, मतलब एक एक करके नहीं दिखाऊंगी मैं, ऐसे दिखाऊंगी कि मैंने ये सामान लिया है। और कैंटीन से लिया था मैंने 8-9 हज़ार का सामान खरीदा था उस दिन। क्या होता है ना, देखो 10-15 रुपये का फ़र्क भी आता तो बहुत बड़ी बात है मिडिल फैमिली वालों के लिए, और हर चीज़ सोच समझ के लेना पड़ता है ना, चाहे वो घर का सामान हो कुछ भी हो। ऐसा नहीं है अगर हमको वहाँ पे फ़ायदा दिखता है थोड़ा बहुत कैंटीन में, तो आप लोगों को ले लेना चाहिए कैंटीन से, क्योंकि बहुत फ़ायदा होता है। ये देखो हनी, ये हनी सोया ही नहीं, मैंने कहा सो जाता तो थोड़ी और काम कर लेती। तो चलो फिर मैं फटाक से इस सामान को खोलती हूँ, फिर दिखाती हूँ क्या क्या लिया मैंने। ये देखो मैंने कितना सारा सामान ले रखा है, हनी कैसे दिखा रहे देखो। ये जो कि इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो मैंने ये विस्पर लिए थे, कितने पैकेट हैं निकालो थे सामान, कितना क्या क्या है। 4 पैकेट मैंने ये वाले लिए थे, क्या हैं विस्पर अल्ट्रा सॉफ्ट, 4 पैकेट ये लिए थे मैंने, 2 पैकेट मैंने ये स्टेफ्री ली थी, और ये मैंने नमकीन ली थी देखो हल्दीराम वाली, मैंने कहा मेरा हनी खाएगा, और एक ये नमकीन, क्या लिख रखा है इस पर, कॉर्नफ्लेक्स केक मिक्सचर, और ये एक टोमेटो सॉस की जो बोतल है ये देख सकते हैं आप, ये मैंने कहा कभी मैगी मूवी बनाएंगे उसके लिए, और ये एक पैकेट 1 kg का है, ये 3 kg प्लस, बाप रे सुनो तो ये 3 kg का है, 3 kg का है। और ये देखो आप छोटा मोटा सामान, हनी दो तो मम्मी के पास दिखाओ, और ये डिटॉल, ये हिट, ये मैंने मसाले ही रखने के लिए बहुत प्यारा बॉक्स है ये लिया, और ये पोछा पूछा करने के लाइजॉल, ये ईवा का परफ्यूम, और ये देखो विम बार, मैंने बहुत सारे ले रखे हैं विम बार के, 3-4, बाप रे कितने सारे ले लिए मैंने, तो ये तो हो गया मेरा साल भर का। और ये किसान जैम, और ये हनी के लिए 2 डायपर के पैकेट है, और ये चाय पत्ती के रेड लेबल, कितने कितने है ये, 1 kg, 1 kg ये, और 1 kg ये, 2 kg, और एक ये छोटा सा टाइट सर्फ एक्सल के साथ मिक्स करने के लिए। और ये देखो मैंने अपने लिए शैम्पू लिए पैंटीन, देख सकते हो आप पैंटीन, और एक ये फेयर लवली डेली घर पे लगाने के लिए क्रीम, और ये हैंड वॉश के पाउच, इतने सारे हैं 4 पाउच हैं मुझे लग रहा है यहाँ तक, ये देख सकते हो ये, और ये ब्रश, ये फेस वॉश, और 2 कॉलगेट के डब्बे हैं बड़े वाले हैं, और एक बोरो प्लस, एक इजी गर्म कपड़े धोने के लिए, और नहाने के साबुन ले रखे मैंने बहुत सारे, लाइफ ऑयल बहुत सारे हैं, 10-12 हैं शायद मुझे लग रहा, और एक ये डव, डव मुझे लग रहा है 2-3 ले रखे मैंने, हनी ने सारे फेंक दिए, हाँ 2 डव ले रखे मैंने, और 10-12 मैंने लाइफ ऑयल ले रखे हैं, और हनी के लिए जॉनसन बेबी 2 मैंने हमाम, 2 या 4 हमाम ले रखे हैं साबुन, तो मैंने नहाने के साबुन लगभग ले रखे हैं 10, 14, 16, 17 मैंने नहाने के साबुन ले रखे हैं, और ये इतना सारा सामान ये देख सकते हो आप। हनी ने ये देखो कुछ इधर फेंक दिया, कुछ इधर फेंक दिया, ये देखो। तो घर में जो सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैंने सारी रखी हुई हैं, ये चीज़ें कभी ख़राब नहीं होती, इसलिए
मैंने कहा साबुन सुबुन तो चाहिए, लेके रख दो, है ना। तो ये मैंने, चलो फिर मैं फटाफट से इनको समेटती हूँ, फिर बात करती हूँ। खाना खा लिया है, टाइम हो रहा है 9:30। हमने बनाया था कद्दू की सब्जी, रोटी, बहुत थकान लगी है। देखो मैं खा रही सोन पापड़ी, मैंने गोपेश्वर से ली थी और अभी खा रहे हैं। थोड़ी मिर्ची हो गई थी सब्जी में इसलिए। बहुत थकान लगी यार। उसके बाद सामान समेटा मैंने सारा, फिर जो जो किचन का काम था, पानी पूनी भरना सारा काम किया, चाय चुई बनाई, फिर सब्जी काटी, हनी के कपड़े सारे शिफ्ट किए। और ये देखो हनी बैठ गया, अभी खाना खा के जस्ट बर्तन धो के आई। मैं हनी कह रहा ना मेरे को भी दो। नहीं बेटा, पूरे मुंह में डाल दो। तो नींद आ रही है बहुत तेज वाली, सो जाते हैं। मैं कल सुबह बात करूँगी, पर कल सुबह इनको भी 6 बजे निकलना है, बहुत नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। बस हनी भी जल्दी से सो जाए। तो ठीक है, फिर मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। बाय, गुड नाइट। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। बाय बाय।